अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो मेरी वीडियो है वो डर्मा शाइन पे है, ठीक है। डर्मा शाइन का पहले मैं क्लींजर रिव्यू करती हूँ आपके साथ, फिर उसके बाद मैं स्क्रब रिव्यू करूँगी, ठीक है। डर्मा शाइन का ये जो क्लींजर है ये ऑल स्किन टाइप है, ब्राइटनिंग डीप क्लींजर है, लेकिन ये डीपली जो है ना हमारे स्किन को क्लीन नहीं करता, जो इन्होंने ऊपर लिखा हुआ था ना कि डीप क्लीन करता है, ये बहुत ज़्यादा थिक है। जब हम अपने फेस पर लगाते हैं तो बहुत से मॉइस्चराइज़र या ऐसे होते हैं ना क्लींजर जो रनी होते हैं फेस पर लगाओ, हाथों को हम लोग वेट करके जब अपने फेस पर मसाज करते हैं तो तेज़ी से हाथ हमारे चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद इस तरह नहीं होता। ये मतलब चिपचिपाहट फेस पे हो जाती है, रनी नहीं है, ये डीप क्लीन नहीं करता, नॉर्मल है। इसको नॉर्मल स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ नहीं करें, सेंसिटिव स्किन वालों को ये सूट नहीं करेगा। मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो मैं जब इस तरह का कोई भी ब्यूटी को प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत कम ही सूट करते हैं, ठीक है। एक्नी स्किन वाले जो हैं वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, नॉर्मल स्किन वाले जो हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए ये ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसका टेक्स्चर है और फ्रेगनेंस इसकी अच्छी है, बाकी इसका और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ एक्नी स्किन वालों को ये सूट नहीं करेगा, एक्नी स्किन वाले इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 400 है, ठीक है। एक ट्यूब की प्राइस जो है वो 400 है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है कि आप अगर रेगुलर 2 मंथ भी आप क्लींजिंग करते हैं तो ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, ऑल स्किन टाइप है, ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसके बैग पे सब मेंशन है और देख लीजिए आप इसको। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसको कर लें, नॉर्मल स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले या एक्नी स्किन वालों को ये सूट नहीं करेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर